दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। नए सत्र के लिए नामांकन। नौगछिया के 9 केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा तीसरे दिन शांतिपूर्ण माहौल में हुई संपन्न। नौगछिया पुलिस जिला में तीसरे दिन बुधवार को हुई मैट्रिक परीक्षा में दोनों पालियों में शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा हुई संपन्न। तीसरे दिन हुई सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में दोनों पालियों में कुल 7,822 परीक्षार्थियों में 7,607 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। प्रथम पाली में सभी 9 केंद्रों पर हुई परीक्षा में 4,078 परीक्षार्थी में 3,961 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि कुल 117 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। द्वितीय पाली की परीक्षा में 3,744 परीक्षार्थियों में से 3,646 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी, जबकि 98 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। सभी केंद्रों पर निर्धारित समय पर परीक्षा आरंभ हुई। परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा के दौरान बेहोश हुई छात्रा, चिकित्सक की पहुंची टीम। नवगछिया पुलिस जिला के 9 केंद्रों पर चल रही परीक्षा में मैट्रिक की परीक्षा तीसरे दिन परीक्षा के दौरान बेहोश हो गई। छात्रा के बेहोश होने पर केंद्र अधीक्षक के द्वारा इसकी सूचना अनुमंडल अस्पताल को दी गई। अनुमंडल अस्पताल से चिकित्सक के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस से परीक्षा केंद्र पर पहुंची, जहां चिकित्सक के पहुंचने के साथ ही छात्रा को होश आया। होश में आने के बाद छात्रा ने फिर परीक्षा दी। मिली जानकारी के अनुसार BLS कॉलेज एवं श्रीलाल जी मध्य विद्यालय संघिया मखनपुर परीक्षा केंद्र पर छात्रा बेहोश हुई थी। शिक्षकों की मांग जायज, सरकार का हड़ताली शिक्षकों पर कार्रवाई और लोकतांत्रिक, बुलो मंडल। युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन किया। कहा कि नियोजित शिक्षकों की मांग जायज है, मांग को लेकर शिक्षकों का आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार है। नीतीश सरकार हड़ताली शिक्षकों पर बर्खास्तगी और निलंबन जैसी कार्रवाई और लोकतांत्रिक कर रही है। पूर्व सांसद ने कहा कि सरकार को शिक्षकों की मांगों पर विचार करना चाहिए। समान काम समान वेतन नियोजित शिक्षकों का अधिकार है। मांगों पर विचार करने के बदले सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर तुगलकी फरमान जारी कर रही है। राजद शिक्षकों के आंदोलन के साथ है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद की सरकार बनी तो आंदोलनरत नियोजित शिक्षकों की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। छोटे सिंह हत्याकांड में मंटा प्रमुख समेत 5 नामजद के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा निवासी देवपूजन भारती और छोटे सिंह के हत्याकांड में फरार चल रहे नामजद आरोपियों के नाम का न्यायालय से इश्तेहार निर्गत हो गया। इश्तेहार निर्गत होने के बाद पुलिस ने मंटू प्रमुख सहित फरार चल रहे सभी 5 अपराधियों के घर इश्तेहार चिपकाया है। बुधवार को नवगछिया पुलिस ने पूर्व प्रमुख मनकेश्वर सिंह और मंटू प्रमुख बालकिशोर सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, कैलाश सिंह एवं तीरो सिंह के घर इश्तेहार चिपकाया है। नवगछिया थानाध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने कहा कि छोटे सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाया गया है। सभी आरोपी अगर इसके बाद भी फरार रहेंगे तो सभी के घर न्यायालय से कुर्की का आदेश प्राप्त कर कुर्की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि न्यायालय से कुर्की के आदेश की भी मांग की गई है। 6 फरवरी को छोटे सिंह की अपराधियों ने की थी गोली मारकर हत्या। 2 आरोपी को पुलिस ने पूर्व में ही कर लिया था गिरफ्तार। छोटे सिंह हत्याकांड में नवगछिया पुलिस ने घटना के बाद ही कार्रवाई करते हुए हत्याकांड में शामिल शूटर कदवा के महेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने दूसरे दिन कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त खरगेश सिंह को गिरफ्तार किया। इस दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नवगछिया पुलिस को इस हत्याकांड में अभी तक एक भी सफलता नहीं मिली है। हत्याकांड के बाद प्रमुख मनकेश्वर सिंह उर्फ मंटू सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, कैलाश सिंह एवं धीरो सिंह फरार चल रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। सीनेट की बैठक में जीबी कॉलेज एवं बीएड व पीजी की पढ़ाई शुरू कराने की मांग। मारवाड़ी कॉलेज में आयोजित तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट बैठक संपन्न। बैठक में कुलपति, उपकुलपति, कुलसचिव के अलावा सिंडिकेट एवं सीनेट के सदस्य मौजूद थे। बैठक में सीनेट सदस्य अजय सिंह कुशवाहा ने मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय में बंद महिला छात्रावास को अविलंब चालू करवाने की मांग एवं जीबी कॉलेज में बीएड एवं पीजी की पढ़ाई एवं शिक्षकों की कमी का मामला उठाया। भागलपुर की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सर्वोत्तम स्थान पर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल CBSE एफिलेटेड सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल। नामांकन प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 9वीं तक। हमारा पता है दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, दीक्षा नगर, इब्राहिमपुर रोड, सबौर, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9934855177। 9934855177। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्र छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। नौगछिया अनुमंडल एवं भागलपुर के सभी क्षेत्र के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है।
अब पैसा नहीं बनेगा आपकी पढ़ाई में बाधक। आपके भविष्य की चिंता करने के लिए नौगछिया की धरती पर आ गया है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो आपके उच्चतर शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज का चयन करवाती है और आपको उच्चतर शिक्षा के लिए प्रेरित करती है। BEd, DLEd एवं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA इत्यादि कोर्स में नामांकन के लिए संपर्क जरूर करें। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसी भी कॉलेज में निःशुल्क रहने, खाने, पढ़ने की व्यवस्था करवाई जाती है। हमारा पता है उच्च विद्यालय नौगछिया के समीप नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 8873-973-680-8298-956-905। आवासीय आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से अष्टम तक की पढ़ाई CBSE पैटर्न, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी सुयोग्य शिक्षकों द्वारा, छात्रावास में छात्र छात्राओं को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था, कंप्यूटर शिक्षा की अलग से व्यवस्था, नामांकन प्रारंभ है। लगातार स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर अनुमंडल में भव्य झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित। संपर्क सूत्र 9934-26-14-37। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने उदार गली नवगछिया। हमारे यहाँ उपलब्ध है ट्रॉली बैग, डफल, स्कूली बैग, सूटकेस, लेडीज पर्स, जेंट्स पर्स, छाता, रेनकोट सहित कई सामान। 20 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक का बैग है हमारे पास उपलब्ध। नौगछिया का एकमात्र दुकान जहां उपलब्ध है अमेरिकन टूरिस्टर का सामान। एक बार अवश्य पधारे बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने उदार गली नवगछिया। संचालक डॉक्टर रजनीकांत देव। हमारा संपर्क सूत्र है 8294855586। 8294-85-5586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। खेलने के क्रम में गिरी बच्ची घायल। गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया मकनपुर निवासी सुनील यादव के 4 वर्षीय पुत्री सोनाली कुमारी बुधवार को घर में खेलने के क्रम में गिर गई है। उनके सिर में गहरी चोट लगी है। सड़क हादसे में एक घायल। नौगछिया थाना क्षेत्र के NH 31 के 0 माइल के पास सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया है। घायल युवक खगड़िया जिले के हेडपुर निवासी सिखावत अली है, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेजा, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर उपचार के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल भेज दिया है। चाकू से हमला कर किया घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी गांव में बुधवार को आपसी विवाद में हुई मारपीट में चाकू से हमला करके एक युवक को घायल कर दिया गया है। घायल युवक तेतरी निवासी महेश्वरी दास के पुत्र मनीष कुमार है। घायल होने के बाद परिजनों ने मरीज को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया, जहाँ अस्पताल में घायल का इलाज किया गया। नाबालिग लड़की के अपहरण की आशंका। नवगछिया थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की 14 वर्ष वर्ग 7 की छात्रा अपहरण की आशंका व्यक्त करते हुए लड़की के पिता ने नवगछिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्हें बताया कि उनकी पुत्री 13 फरवरी को घर से पढ़ने के लिए निकली, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन करने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। उन्होंने बताया कि अलग अलग 3 मोबाइल नंबर से मेरी पुत्री से फोन पर सहेली बनकर कोई बात करता था। उक्त 3 नंबर वाला व्यक्ति ही उसकी पुत्री का अपहरण किया है। नौगछिया थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने कहा कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। घर पर शराब के नशे में किया गया पथराव। नौगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा गांव में ललन प्रसाद सिंह के घर पर गुरुवार की देर रात को शराब के नशे में अपराधियों ने गांव के लोगों में ही पथराव किया। पीड़ित ललन प्रसाद सिंह ने घटना को लेकर नौगछिया थाना में लिखित आवेदन दिया है। अपने लिखित आवेदन में ललन प्रसाद सिंह ने बताया कि हम गुरुवार को अपने घर में सोए हुए थे, तभी रात के 11 बजे पॉलिथीन, खपड़ा व घर एवं किवाड़ पर ईटा से मेरे घर पर ईट फेंका गया। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय सचिदानंद चौधरी के पुत्र पप्पू चौधरी एवं वीरेंद्र कुमार उर्फ टिकरा चौधरी के अलावा 5 से 6 अज्ञात व्यक्तियों ने पप्पू चौधरी छत पर से ईटा फेंकना शुरू कर दिया था। तब भय से चिल्लाने लगे और किवाड़ खोले तो पप्पू चौधरी और वीरेंद्र कुमार उर्फ टिकरा चौधरी ने गाली गलौज अवैध हथियार लेकर मेरे हत्या करने के लिए दौड़ा तो हल्ला किया। मेरा भतीजा अपने घर से निकला तो सब अपराधी भाग गए। बुधवार की सुबह करीब 8 बजे वार्ड सदस्य मनोज कुमार आए थे, उसी समय वीरेंद्र उर्फ टिकरा चौधरी अपने 5 से 6 लोगों के साथ आंगन में आकर मारपीट शुरू कर दिया। PCC सड़क का निर्माण कार्य पूरा। नवगछिया प्रखंड के जपतैली गाँव में अरुण शर्मा के घर से मुन्ना राम, राम जी राम के घर होते हुए बबलू राम के घर तक PCC सड़क निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।
जानकारी देते हुए जगतपुर पंचायत के समाज सेवी सह मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि उक्त सड़क की लंबाई कुल 300 फीट है। लंबे अरसे से उक्त सड़क की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही थी। मौके पर ही वरिष्ठ ग्रामीणों द्वारा सड़क का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप कुमार यादव, मुन्ना राम, रामजी राम, बबलू राम, शीशो राम, मुरलीधर, सबीरा देवी, शंकर शर्मा, दरोगी शर्मा, महेश ततमा, अशोक राय, अजय राय आदि अन्य सभी मौजूद थे।